दोस्तों नमस्कार। चित्तौड़ में दो सालों में क्या कुछ हुआ है और क्या कुछ कहना है सुरेंद्र जी जाड़ावत का, हम बात करेंगे, जानेंगे यहाँ के विकास की बात को। सर कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत। क्या कहना है दो साल के उपलक्ष में? देखिए, दो साल के अंदर मुख्यमंत्री जी ने चित्तौड़ की एक तो बहुत बड़ी बहुप्रतीक्षित मांग जो थी, जो 2013 के अंदर मेडिकल कॉलेज स्वीकृत किया था और सरकार बदलने के साथ ही 5 साल तक बिल्कुल ठंडे बस्ते में चला गया। किसी भी जनप्रतिनिधि ने, चाहे वो जीते हुए विधायक हैं यहाँ से, उन्होंने, एमपी ने, किसी ने भी इस बात को, मांग को नहीं उठाया सरकार के समक्ष कि वो मेडिकल कॉलेज जो स्वीकृत है उसको चालू किया जाए। लेकिन जैसे ही वापस सरकार बनी 2018 में, गहलोत साहब मुख्यमंत्री बने और राजस्थान के इतिहास में पहली बार 15 मेडिकल कॉलेज की एक साथ उन्होंने केंद्र सरकार से स्वीकृति दिलाई। और मुझे आपको बताते हुए, जनता को बताते हुए खुशी हो रही है कि उसका काम भी RSRDC को जो है वो अलॉट हो गया है और काम भी उसका जो बाउंड्री वॉल का है वो चालू हो गया है और उम्मीद की जा रही है कि फरवरी के अंदर इसकी सारी औपचारिकताएँ पूरी हो करके, टेंडर प्रक्रिया पूरी हो करके और मार्च के अंदर ये पूरे स्विंग के अंदर चालू हो जाएगा। और 2022 के अंदर, इसके अंदर जो मेरी बात हुई है चिकित्सा सचिव माननीय वैभव गलारिया साहब से और चिकित्सा मंत्री आदरणीय रघुजी शर्मा से, कि पहला बैच जो है 2022 के अंदर यहाँ पर प्रवेश ले लेगा, ऐसी पूरी पूरी उम्मीद है। और ये सिर्फ चित्तौड़ी नहीं, लगभग सभी मेडिकल कॉलेज जो 15 स्वीकृत किए हैं राजस्थान सरकार ने, उन सब के अंदर चालू हो जाएगा। तो बता दें कि राजकीय महाराणा भोपाल चिकित्सालय में यहाँ से चित्तौड़ से लोगों को सफ़र करना पड़ता है और क्रिटिकल केसेस को सबसे ज़्यादा वहाँ प्रॉब्लम आती है। ऐसे में चित्तौड़ में बन रहा है ये चिकित्सालय किस तरह से उपयोगी रहेगा हम जानेंगे। सर, इस चिकित्सालय के आने के बाद में जनता के लिए क्या लाभ की बात हो सकती है? देखिए, मेडिकल कॉलेज आएगा तो हमारा हॉस्पिटल भी अपग्रेड होकर के 500 बेडेड हो जाएगा, चिकित्सा विशेषज्ञों की सेवा मिलेगी यहाँ पे। जो मेडिकल कॉलेज के अंदर स्टूडेंट्स आएंगे वो, उनकी सेवाएं हमारे यहाँ पे चिकित्सालय को मिलेगी, इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत होगा चिकित्सा के क्षेत्र में। और जो गरीब तबका है, जो अपने इलाज के लिए अहमदाबाद, जयपुर, महंगी जगह नहीं जा सकता, उसको वे सारी सुविधाएं, वो सारा इलाज और विशेषज्ञ सेवाएं चिकित्सकों की यहाँ मिल सकेगी। क्योंकि मुख्यमंत्री जी ने निःशुल्क दवाई योजना शुरू की, अशोक गहलोत साहब ने गरीब को ध्यान में रखते हुए उन्होंने जांच योजना शुरू की है, वो सारा का सारा यहाँ पे हो जाएगा। जो गंभीर से गंभीर बीमारी जैसे कैंसर है, किडनी पेशेंट्स हैं, हार्ट पेशेंट्स हैं, लंग्स की परेशानियां हैं और दूसरी क्रिटिकल परेशान जो बीमारियां हैं, वो सारी की सारी बीमारियों का इलाज यहाँ पे उस गरीब तबके का होने लग जाएगा, जो गरीब तबका महंगे प्राइवेट अस्पतालों में महंगा इलाज नहीं करा सकता। सर, एक तरफ ये सब सुविधाओं की हम बात कर रहे हैं, लेकिन कोरोना जैसे फेज में सरकार ने बड़ा कदम उठाते हुए ग्रामीण क्षेत्र, जो कि सबसे ज़्यादा बाहुल्य क्षेत्र यहाँ का है, ग्रामीण क्षेत्र है, कृषि से जुड़े हुए हैं, कोरोना के दौर को सबसे ज़्यादा काबू करने की कोशिश की, क्या कहना है? कोरोना के अंदर मुख्यमंत्री जी ने एक तो सबसे बड़ा संकल्प कि कोई भूखा नहीं सोएगा, वो उन्होंने जो आह्वान किया था, चाहे वे स्वयंसेवी संस्थाएं थी, चाहे राजनीतिक दल के कार्यकर्ता थे, चाहे जनप्रतिनिधि थे, चाहे हमारी नगर परिषदें थी, पंचायत समितियां थी, पंचायतें थी, सब जगह उन्होंने व्यवस्था की इस चीज़ की कि कोई भूखा नहीं सोए। उसके लिए निःशुल्क उन्होंने अनाज भी बांटा, किट भी बांटे और यहाँ पर निःशुल्क हमने बना बनाया भोजन भी शहर में वितरण कराया। इस बीमारी की भयावहता को देखते हुए मुख्यमंत्री जी ने, आदरणीय गहलोत साहब ने और चिकित्सा मंत्री रघुजी शर्मा ने, हमारे यहाँ पर कोरोना लैब भी उन्होंने स्वीकृत की। हमारे यहाँ के जो कोरोना पेशेंट निम्बाड़ा में जिस तरह से ब्लास्ट हुआ था एक समय, कि लगभग 125 पेशेंट एक साथ आए थे, बड़ी अफरा तफरी मची थी और उनका जांच उदयपुर और भीलवाड़ा यहाँ होने लगी थी, एक एक दो दो दिन लग जाते थे। लेकिन यहाँ आने के बाद, इस लैब स्थापित होने के बाद में, जिसमें नगर परिषद ने भी अच्छा सहयोग किया और वो कोरोना का सारा जो जांच प्रक्रिया है यहाँ पर मात्र 6-8 घंटे के अंदर वो ही मिलने लग गई और 2 शिफ्टों में यहाँ पर काम हो रहा है। लगभग 500-700 जाँचें यहाँ पर शुरुआती दौर के अंदर होने लग गई है और काफ़ी
अच्छे रिजल्ट्स वो उस लैब के यहाँ पे आ रहे हैं, और लैब के अंदर भी माइक्रोबायोलॉजिस्ट हमारे पे यहाँ पर बहुत जो अनुभवी है उनको यहाँ पे लगाया गया, काम दिया गया उनको, और दो पारी के अंदर कोरोना लैब यहाँ पर काम कर रही है। तो कोरोना के अंदर भी मुख्यमंत्री जी ने भूखा नहीं सोए, कोरोना लैब भी उन्होंने स्थापित की, और कोरोना का मैनेजमेंट भी बहुत शानदार किया कि आज कोरोना का ग्राफ दिन पर दिन है यहाँ पर मरीजों का कम होता जा रहा है। सर, आज राजस्थान में हम बात करते हैं तो पानी की समस्या अब धीरे धीरे सामने आने लगी है, खासकर चित्तौड़ में, क्योंकि यहाँ 9% बारिश जो है वो कम हुई है। तो आने वाले दिनों में पेयजल संकट से किस तरह से जनता को राहत मिल सकती है, और किसानों के लिए भी फायदे की बात कैसे हो सकती है, क्योंकि फसल तो अभी बड़ी हो रही है। देखिए, पेयजल सर्वोच्च प्राथमिकता है, चाहे कोई भी सरकार हो उसकी, और ये बात बिल्कुल सही है कि इस बार बारिश जो है 15-17 इंच से ज़्यादा नहीं हुई, जबकि हमारे यहाँ का औसत जो है 35 से 40 इंच बारिश का रहता है, लेकिन इस बार 15 से 17 इंच से बारिश ज़्यादा हुई नहीं। और ये बार पहली बार है मेरे देखने में आया कि गंभीरी नदी जो हमारी मुख्य है, बैडस नदी जो मुख्य है, यहाँ पानी भी बह करके नहीं निकला है, नया पानी आया ही नहीं है, इतनी कम बारिश हुई है। हमारा गंभीर डैम पूरा खाली पड़ा हुआ है, गोसुंडा डैम के अंदर भी पानी बहुत कम है, जो गोसुंडा डैम से चित्तौड़ शहर के पेयजल के लिए आरक्षित रखा है पानी, वो भी पूरा नहीं मिल पा रहा है। और उसके लिए हमने जिला कलेक्टर महोदय को कहा है कि चित्तौड़ शहर की आबादी 1,30,000 के लगभग पहुँच चुकी है, और यहाँ का पेयजल का केवल और केवल हिंदुस्तान जिंक का जो गोसुंडा बांध है वो, जिसमें हमने पानी आरक्षित रखा है शहर के पेयजल के लिए, और भेड़ा जो खदान है वहाँ से हमारा आज से करीब 8 साल पहले जब गहलोत साहब मुख्यमंत्री थे तब हमने यहाँ पर इस परियोजना का उनसे शिलान्यास भी कराया और उद्घाटन भी करवाया, और पेयजल तभी से चित्तौड़ शहर को निर्बाध गति से मिल रहा है। इसके लिए भी हमने जिला कलेक्टर महोदय को कहा है कि पेयजल को आप सर्वोच्च प्राथमिकता दें, क्योंकि पानी अगर नहीं है पीने का तो फिर कुछ भी नहीं है, इसलिए वो व्यवस्था तो हमको करनी ही पड़ेगी। उसमें प्रशासन को हो सकता थोड़ा सख्त रवैया भी अपनाना पड़े, और प्रशासन मानवीय दृष्टिकोण भी रखे, दोनों चीज़ें, किसानों को भी परेशानी नहीं हो, और पेयजल जो सच, क्योंकि हमारा पानी का सोर्स जो है वो दिन पर दिन अब डाउन होता जा रहा है, और कई जो है अभी थोड़ी सी गर्मी पड़ेगी और आप देखेंगे कि वो सोर्स सारे सारे सूखते जाएंगे। तो पानी केवल एक गोसुंडा बांध है, गंभीरी बांध पूरा खाली पड़ा हुआ, और कोई पानी की स्थिति यहाँ पे बागलिया जो एक यहाँ पे देह है वहाँ पर बिल्कुल पानी नहीं है। तो पानी तो पेयजल वाली तो आवश्यकता को सरकार को भी ध्यान रखना पड़ेगा, प्रशासन को भी ध्यान रखना पड़ेगा, और हमको भी इसके अंदर सहयोग करना पड़ेगा सबको। सर, हम अभी लोकल चुनाव में यहाँ पे रिपोर्टिंग कर रहे थे, एक सबसे बड़ी समस्या यहाँ के किसानों को नील गायों की आती है। हमने किसानों से राय जानी थी, किसानों का ये कहना है कि सरकार इनिशियली स्टेज पर जो रेडीमेड बोल है, अगर मिनिमम एरिया में भी अगर रेडीमेड बोल की अगर प्लानिंग की जाए तो किसानों को हेल्प मिल सकती है, ऐसा इनकी तरफ से सुझाव आया था, आप क्या सोचते हैं? देखिए, ये नील गायों की समस्या बहुत पुरानी है और निश्चित रूप से किसान इससे परेशान है, इसमें कोई दो राय नहीं। पिछली सरकार ने एक दिवा स्वप्न इनको दिखाया था और उसमें हुआ कुछ नहीं, ग्राउंड रियलिटी कुछ नहीं है। तो जब तक कोई ठोस इसकी परियोजना नहीं बने, सब ठोस योजना नहीं बने, तब तक नील गायों से सरकार के सहारे हम लोग नहीं चल सकते कि नील गायों का बचाव जो है सरकार की सहायता का तो ठोस प्लान देना पड़ेगा किसानों को, ताकि और सहूलियत भी उस तरह की कि उनको ज़्यादा झंझटों का सामना नहीं करना पड़े और वो अपने आराम से हो जाए। देखिए, राजस्थान सरकार ने चाहे मेरे यहाँ जनता ने रिजल्ट चाहे नकारात्मक दिया हो, लेकिन राजस्थान सरकार से हमने जब जब जो जो भी मांगा, मुख्यमंत्री गहलोत साहब को, ऊर्जा मंत्री जी को, शिक्षा मंत्री डोटासरा साहब को, चिकित्सा मंत्री जी को, जो जो भी बात रखी, चाहे सड़कों का मामला हो, सब मुख्यमंत्री दिए। लगभग अभी 6 तो उन्होंने हमारे बिजली के 33 KV के ग्रिड मंजूर किए हैं, 4 स्कूलें क्रमोन्नत की है, 2 महात्मा गांधी स्कूल अलग हमको दिए हैं, सावा में अलग दिया, चित्तौड़ शहर में अलग दिया है, सड़कें दी है मुख्यमंत्री जी ने, अभी बहुत बड़ा प्रोजेक्ट एक बस्सी आम्बा होते हुए कनेरा तक की सड़क है, लगभग 35 करोड़ रुपये वहाँ मंजूर किया है, गाँवों की सड़कों को मंजूरी उन्होंने दी है कुछ, और सिंचाई के क्षेत्र में बस्सी बांध के अंदर पैसा दिया मुख्यमंत्री जी ने।
चिकित्सा के क्षेत्र में मैंने आपको बताई ये सारा का सारा। तो मुख्यमंत्री जी ने अपनी ओर से और सरकार ने अपने ओर से कोई कसर रखी नहीं है और 2023 तक ये सरकार निर्बाध गति से चलेगी मुख्यमंत्री आदरणीय गहलोत साहब के नेतृत्व में। ये हमारे कई वरिष्ठ नेता जिसमें गुलाब जी कटारिया जो नेता प्रतिपक्ष हैं वो भी बोलते रहते हैं कि ये सरकार 2-3 महीने की मेहमान है, 2-3 महीने सरकार 2023 तक निर्बाध गति से चलेगी। विकास के पथ पे मुख्यमंत्री जी का सोच राजस्थान के लिए बहुत व्यापक है, वो भी वो पूरा करेंगे। कोरोना काल की वजह से आचार संहिता की वजह से सारे हाथ बंधे हुए हैं कि पहले लोकसभा आचार संहिता, फिर पंचायत राज की आचार संहिता, नगर पालिकाओं की आचार संहिता, फिर अपने आपका ये कोरोना काल आ गया, अभी फिर नगर पालिकाओं के चुनाव आ गए, पंचायत तब भी पंचायत समिति जिला परिषद के चुनाव आ गए, फिर भी नगर पालिकाओं के चुनाव आ रहे हैं। तो सरकार इन आचार संहिताओं के आगे भी जो है कोई घोषणाएँ कर नहीं पा रही है और क्रियान्विति कर नहीं पा रही है। लेकिन ये भी जैसे ये निपटेगा और चित्तौड़ राजस्थान जो है गहलोत साहब का जो विज़न है उसका कोई मुकाबला नहीं। राजस्थान की एक एक चप्पे की उनको जानकारी कि कहाँ क्या कमी है और उसको कैसे मुझे पूर्ति करनी है, जबकि केंद्र सरकार राजस्थान को बिल्कुल सहयोग नहीं कर रही है। पहली बार ऐसा हुआ है कि जब केंद्र के अंदर ऐसी सरकार बैठी है जिसमें मुख्यमंत्री अशोक गहलोत साहब को बार बार जाके मोदी जी को अपनी जो जीएसटी का जो बकाया है, जीएसटी का जो वहाँ पे पैसा पड़ा हुआ वो नहीं दे रहे हैं, और लगातार वित्त मंत्री जी निर्मला सीतारमण जी को भी करें लेकिन जो दे नहीं रहे हैं। आर्थिक हालात ऐसे राजस्थान के अंदर बने हैं, उसके बावजूद भी विपरीत परिस्थितियों में भी मुख्यमंत्री जी विकास को अवरुद्ध नहीं होने दे रहे हैं। आप रोज़ देख रहे हैं कि हर क्षेत्र के अंदर उनका जो है कदम उठाए जा रहे हैं। जो बेरोजगार युवक हैं उनके लिए भी उन्होंने द्वार खोल दिए हैं, शिक्षा के अंदर, चिकित्सा के अंदर, पुलिस के, गृह विभाग के अंदर, हर विभाग के अंदर जहाँ जहाँ भी बैकलॉग है वहाँ पर उन्होंने कैलेंडर बना करके, ये हमारे जो अभी भूपेंद्र यादव साहब बने आरपीएससी के चेयरमैन, उनको कहा है कि युवाओं की बेरोजगारी को ख़त्म करने के लिए आप कैलेंडर बनाइए और जो भी रिक्तियाँ उनको भरने के लिए आप एक्शन प्लान लेकर के आइए और इसको निकालिए। मुझे पूछने की ज़रूरत नहीं, आप निकालिए इसको और युवाओं को जितना ज़्यादा से ज़्यादा रोज़गार दे सकते हैं उतना दीजिए। मेरी तो मुख्यमंत्री जी से ये भी अनुरोध करूँगा कि राजस्थान के युवा बेरोजगारों को आप पूरी तरह से एक संरक्षण दें ताकि वो बाहर के लोग जो आकर के यहाँ पे नौकरियाँ ले रहे हैं और हमारे युवाओं का जो हक मारा जा रहा है उसको हमको रोकना होगा। उद्योगों के अंदर भी रोकना होगा, उद्योगों में भी 90% यहाँ के प्रशिक्षित और अप्रशिक्षित वो यहाँ के लोग लगे राजस्थान के, राजस्थान के लोगों को बाहर कौन पूछेगा। और जो युवा यहाँ का सरकारी नौकरियों में आना चाह रहा है तो बाहर की प्राथमिकता को तो हमको कम करके और राजस्थान को पूरी तरह से हमारे युवा बेरोजगारों को प्राथमिकता देनी ही पड़ेगी, तब जाके ये युवा बेरोजगारी पे थोड़ा सा अंकुश लग पाएगा और युवाओं को राहत मिल पाएगी। कुछ गांव ऐसे हैं जो वाटर कनेक्टिविटी में नहीं है अभी, जैसे बात करें भातसोड़ा, बांधसेन, अगर गोसुन्ना बांधसेन को जोड़ा जाए, जो वाटर लाइन है अगर उसको जोड़ दिया जाए तो इसके साथ साथ में छोटे छोटे गांवों को भी लाभ मिल सकता है और कोई बहुत बड़ी समस्या नहीं है। कैसे इसको जोड़ा जा सकता, कैसे इनिशियली क्या सरकार से भी आप ये तो मैं आपको बताऊं कि हमारे दिमाग में है कोसुंडा बांध से तो नहीं, लेकिन भविष्य के अंदर हम हमारे जो जीते हुए साथी विधायक हैं, मंत्री भी हैं, उदयलाल जी आंगना भी हैं, हम सब मिलकर के मुख्यमंत्री जी को एक चित्तौड़ पूरे ज़िले का पेयजल की स्थायी समाधान हो सके उसका हम लोग एक्शन प्लान जरूर देने के हमारे दिमाग में है, वो हम जरूर देंगे। तो ये थे जाड़ावत जी, हमने कई सवालों पर बात की और जाड़ावत जी का साफ कहना है कि सरकार जनहित में काम कर रही है और कोरोना काल होने के बावजूद सबसे पहले जनता को सुरक्षित रखना ये हमारा ध्येय बनता है और इसी तरह से सरकार 2023 तक काम करती रहेगी। जिस तरह से जो बयान आ रहे हैं वो बयान भी हम उस तरह से नहीं देखते हैं, सरकार जनता के हित में काम करने का उद्देश्य लेकर लगातार बनी हुई है और इसी तरह से काम करती रहेगी। धन्यवाद।